टाइम ऐसा आया जब उनकी पीक चल रही थी, तब उन्होंने दो बहुत ही हिट मूवीज थी आनंद और नमक हराम, दोनों में ही अमिताभ बच्चन थे। उन्होंने हैड एन ऑथर बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि अमिताभ बच्चन तो को राजेश खन्ना आफ्टर दैट टाइम, और हाउ डिड ही नहीं वो एरा ख़त्म होगा हो गया आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि मे बी जो अम्मी जी ने रोल किया था दैट रोल मे बी मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट काका जी डिड। तो ये तो होता ही है, यू नो जहाँ दो आर्टिस्ट हैं उनके साथ तो एक का रोल तो हमेशा निखर आता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते जो दूसरे ने किया है उसने ठीक नहीं किया तो उसका एरा ख़त्म हो गया, ये दिस इज़ नॉट फैक्ट। उन्होंने बहुत बार जैसे सौतन से कंपेयर करने की कोशिश करी, सौतन वाज अ हिट बट ही डिडंट मेक इट टू दैट लेवल अगेन वेयर ही वाज एट वन टाइम। अभी वो इतने बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं तो उनके साथ किसी के साथ कंपेयर करना भी सही बात नहीं है। ठीक है उन्होंने मतलब ऐसे नहीं गए, वो ऐसे ही थे नेचुरली। यहाँ जाने के बाद तो एक बार आपने पहाड़ की सीढ़ियाँ चढ़ ली, डाउन यू वांट टू कम डाउन यू हैव टू कम डाउन। ऑलवेज नहीं ऑलवेज वी यूज़ टू टॉक अबाउट फूड। देन ना उस वक्त बांद्रा में दावत नाम का रेस्टोरेंट खुला था, जबकि मैं बहुत करीब रहती थी। आई डिडंट नो अबाउट दावत, तो उन्होंने कहा था ज़रीना आप वहाँ ज़रूर खाना खाइए बहुत अच्छा है। सो वेन एवर आई यूज़ टू गो देयर टू हैव फूड आई ऑलवेज थिंक आई यूज़ टू थिंक ऑफ काका जी। हाँ पर्सनल लाइफ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो देम पर्सनली। आई मेट राज साहब वंस व्हेन आई वाज इन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, लोनी में उनका फॉर्म हुआ करता था उस वक्त। हम सारे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लोगों को दावत दी थी उन्होंने। तो आई मेट राज साहब वंस एंड आई मेट नरगिस जी वंस। सो मतलब मेरी आंखों ने उन दोनों को देखा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। आनंद ही वॉज वेरी गुड, आराधना ही वॉज एक्सलेंट, एंड चोर मचाया शोर तो शशि जी थे। प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया में, हाँ बावर्ची वॉज वेरी गुड, ही वॉज गुड एक्चुअली, ही वॉज गुड इन एवरी फिल्म इफ यू सी लाइक दैट। कटी पतंग ही वॉज वेरी गुड, एंड राजेश खन्ना जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आंखों से ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो आज के ज़माने में हैं शाहरुख खान, वो जो सिर्फ अपने आंखों से, ही डोंट हैव टू से एनीथिंग, ही विल टॉक विद हिज आइज एग्जैक्टली लाइक काका जी। काका जी भी अपनी आंखों से ही बात करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। एक आर्टिस्ट अपने आंखों से जो एक्सप्रेस करता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी बात है।